ये मेरी फ्लाइट है। यहाँ पे बहुत सारा कैट है और बहुत फ्रेंडली है। देखो ये देखो मैं बैठ गया, चलो गुड मॉर्निंग गाइस और इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस। आई थिंक ओवरऑल मलेशिया में सबसे अच्छा मेरे को लंका भी लगा। यहाँ के लोग काफ़ी चिल्ड है, काफ़ी खुश है। आई थिंक बीच के पास जो भी लोग रहते थोड़ा खुश रहते फॉर सम रीज़न, दे आर जस्ट हैप्पी अबाउट एवरीथिंग लाइफ एंड ऑल। सो ये था मेरा स्टे, ये रिसेप्शन है मेरे पीछे। अभी मैं बैग पैक करके अब निकलूँगा। अभी टाइम में बहुत 9:45 को बोर्डिंग है, अभी 8 बज रहा है तो 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा होपफुली, बुक कर दो। और फिर आराम से बैग को ड्रॉप भी करना है, इस बार चेक इन करना है बैग को एक। चलो बाय। ये प्लेस भी रहने लायक है, यहाँ पे थोड़ा और टाइम स्पेंड करके थोड़े से और मैंग्रोव टूर्स और ये सब कर लेना चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो। बिल्कुल मलेशिया में अगर कोई एक जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो, अभी तक मैंने देखा है इट हैज़ टू बी लंका भी, क्योंकि यहाँ के लोग फ्रेंडली है, यहाँ पे वही चिल ड्राइव है जो गोवा में है। गोवा में आई थिंक थोड़ा सा क्लबिंग नेचर है, यहाँ पे क्लब व्लब उस तरह का कुछ कल्चर है नहीं, एकदम आराम से रहो। और यहाँ पर वाटर भी उतना उछलता नहीं है, मैंने दिखाया एकदम शांत है पानी, कोई उस तरह के बहुत ज़्यादा लहरें नहीं हैं। चलो दुनिया भर के कैच आ गए मेरे पीछे वापस से, हम चलते हैं भाई। गाइस अभी मैं एयरपोर्ट गेट पे, सिक्योरिटी सब कुछ हो गया है, थोड़ी देर में बोर्डिंग होगा शायद। और बाकी कुछ नहीं है, एडिटिंग वीडियोस फ़ोन से, क्योंकि लैपटॉप पे ले आया नहीं हूँ। मेरा पुराना जो फ़ोन था उस पे जितने भी वीडियोस है वो मैंने सोच रहा था कि मैं वो क्लियर कर दूँ। बाकी फ्लाइट मेरा लैंड हो गया, जहाँ से भी आना था वो आ गया है, अब यहाँ से वापस आए। मलेशियन फ्लाइट मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, वहाँ से पैसेंजर्स उतर रहे, वो लोग उतर जाएंगे आई थिंक, फिर सीट्स को क्लीन किया जाएगा, देन बोर्डिंग स्टार्ट होगा उसके बाद। बाकी और कुछ दिखाने जाएगी लंका भी, ओवरऑल लंका भी का स्टाफ सिक्योरिटी सब लोग बहुत ज़्यादा बेटर है कोलंबोर से। कोलंबोर जा रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं हो सकता, बस मैंने बुक करा हुआ है तो वो थोड़ा ट्रिकी हो गया है, क्योंकि लगेज अगर टाइम पे लेके मैं बस काउंटर तक नहीं पहुँचता हूँ तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा, तो ठीक है ठीक है। भाई बहुत धूप है, बहुत धूप है, एयरपोर्ट और फ्लाइट के पास जा रहा हूँ लेकिन बहुत धूप है यहाँ पे। ये एयरपोर्ट बहुत मस्त है, आने के टाइम में देख रहा था बट वहाँ भी मुझे अच्छा दिखा नहीं पड़ा। भाई ये फ्लाइट है, मेरा जो एंट्री है वो बैक से है पीछे वाले से, और ये फ्लाइट देख लो मलेशिया एयरलाइंस का। खाली खाली सा है तो मैं मस्त वीडियो बना पा रहा हूँ, बट इसके अंदर बहुत लोग झुंड में आ रहे हैं तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। बाकी ये मैं हूँ, ये मेरी फ्लाइट है, बस चलो चल लेते ऊपर हमारे। गुड बाई लंका, सबसे अच्छा लोकेशन सारे में से। मलेशिया एयरलाइंस में पहली बार है, इससे पहले मैंने एयर एशिया को सारा। अच्छी बात ये है कि विंडो को मिल जाए, वैसे भी धूप है अभी तो। सबसे अच्छा जो मैं पेनांग से नहीं सॉरी कोलालंपुर से पेनांग जा रहा था, उस टाइम पे सनराइज हो रहा था तो दैट वाज रियली नाइस, बहुत खूबसूरत सनराइज था। ये भी विंडो से मिल जाए पर अभी सब बादल दिखेंगे मेरे को पता है, और मैं एकदम विंग के पास बैठा हूँ, देखो दिखेगा एक्सपीरियंस उसका भी अच्छा था, कैरेशे भी अच्छा था, ऐसा पूरा था उसका भी अच्छा था, अच्छा ही तो अच्छा। एक चीज़ मेरे को अच्छा लगा था कि एकदम मेरे सामने चार्टर निकाल, ये वाला मिलना बहुत मुश्किल है, पूरे सारे मिल जाएंगे, ये बहुत आते हैं ये नहीं मिलता तो ये है, बट मेरे फोन में चार्ज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्लेट अभी खाली खाली ऐसा है तो मैं दिखा देता हूँ। ऐसा है इनका ब्लू एंड व्हाइट थीम है, जो कि एयर एशिया का रेड एंड व्हाइट थीम रहता है। इसका एक अच्छा चीज़ है कि इसमें जो लगेज है वो आपको ज़्यादा रखने को मिलता है फॉर फ्री। एक चेक इन लगेज आपको 10 किलोज और साथ में आप लेके आते हो 7 किलोज जो कैरी ऑन लगेज होता है, टोटल 17 किलोज, जो कि नॉर्थ एयर एशिया में आपको सिर्फ 7 किलोज का मिलता है। बट इसका भी कॉस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट अफोर्डेबल सा ही है। मेरे को अफोर्डेबल नहीं, बट नॉर्मली शायद अफोर्डेबल नहीं होता हूँ फर्स्ट भाई। और अभी जाते हैं, मेरा अगर फ्लाइट बहुत ज़्यादा डिले हुआ तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरा आई डोंट थिंक डिले हुआ क्योंकि पास में ही एक बार फ्लाई कर जाता है फिर बहुत जल्दी उतर जाता है। पास में डोमेस्टिक फ्लाइट 20 से 25 मिनट लगता है, बोल के रखते हैं कि बहुत 1 घंटा लगेगा बट लगता है 20 25 से आ रही नहीं है। मैं अपने टाइम में ही बैठूँ। और बाकी तुम्हारा मेरा बस बुक किया हुआ है KLIA 1 पे आएगा। लास्ट टाइम मैं KLIA 2 पे आया था क्योंकि इस बार KLIA 1 पे आएगा। और KLIA 1 से हम जाएंगे वापस से KL सेंट्रल, और KL सेंट्रल से लूँगा बस स्टेशन से लूँगा मेट्रो से बसार सैनी पे चेंज करना मेरे को मेट्रो बसार सैनी चेंज करके बुकित मिलता है मेरे हॉस्पिटल जहाँ पहले मैं रह रहा था, वहीं पे वापस जाऊँगा। वापस अगर फ्लाइट से कुछ खूबसूरत नज़ारे मिले तो मुझे दिखाई तो कैसे दिखा।